हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अंजनी नगर स्थित पंच बलैती जिनालय द्वारा आयोजित चंद्र प्रभु मांगलिक भवन में पावन वर्षा युग महोत्सव के अनुपम अवसर पर प्रथम बार चार संघ के पावन सानिध्य में 48 दिवसीय विश्व शांति एवं जन कल्याण के लिए संगीतमय भक्तिमय अखंड भक्तामर का पाठ बुधवार 13 जुलाई से 30 अगस्त तक निरंतर आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश वे, डॉक्टर संगीता विनायका, धनराज कासलीवाल, आशीष वे, धर्मेंद्र जैन ने बताया कि परम पूज्य बाल योगी 108 श्रुतधर नंदी जी महाराज, मुनि श्री उत्कर्ष कीर्ति जी महाराज आरिका 105, सुदृष्टि मती माता जी आरिका 105, आगमती माता जी के मार्गदर्शन व सानिध्य में ऐतिहासिक आयोजन संपन्न होने जा रहा है। आयोजन के प्रचार मंत्री महावीर जैन ने बताया कि 23 वर्ष पूर्व आचार्य श्री दर्शन सागर जी महाराज ने 48 दिवसीय भक्तामर का पाठ का आयोजन किया था। 23 वर्षों के पश्चात इस तरह का बृहद भव्य आयोजन अंजनी नगर चंद्र प्रभु मांगलिक भवन में आयोजित किया गया। निश्चित तौर पर यह गौरवान्वित करने वाला आयोजन है, क्योंकि पहली बार होने जा रहे हैं कि चार अलग अलग संतों का वर्षायोग एक साथ एक ही स्थान पर देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण इंदौर से समाजन सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन संतों के दर्शन के लाभ व भक्तामर के अखंड पाठ हेतु आ रहे हैं। 48 दिनों के पश्चात अभिमंत्रित भक्तामर कलश घर पर स्थापित करने हेतु दिए जाएंगे। चातुर्मास में समाज को की एकता, क्योंकि आज हमारी समाज बिखरी पड़ी हुई है। साधु आते हैं जगाने के लिए कि जैसे भगवान महावीर ने नारा लगाया जियो और जीने दो, इसलिए समाज भी चाहती, साधु भी चाहता है कि समाज भी एक हो और साधु भी एक हो। जैसे हम लोग चार संघ के साधु जब एक साथ हो सकते हैं तो समाज को भी एक होने का फर्ज बनता है। और इस चातुर्मास में जिन धर्म की गंगा, क्योंकि चातुर्मास में पानी की भी बरसात होती है और ज्ञान के गंगा की भी बरसात होती है। इसलिए चतुर्मास क्यों होता है, किस तरह से चतुर्मास आप लोग करते हैं, इसके बारे में जानकारी। शासन है महावीर स्वामी भगवान की जय। जैसा कि सभी को मालूम है कि दिगंबर संत पैदल पैदल यात्रा करते हैं, 8 महीने पैदल पैदल यात्रा करते हैं और 4 महीने आते हैं कि साधु स्थायी रुक जाते हैं, क्योंकि तो चातुर्मास में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। चातुर्मास में लोगों को धर्म से जोड़ना कि धर्म होता क्या है, भगवान महावीर स्वामी ने क्या बताया है, इसलिए दिगंबर संत 4 महीने एक स्थान पर रुकते हैं और जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। इसलिए साधु का परम कर्तव्य है कि भगवान महावीर का नारा जियो और जीने दो, इसलिए साधु स्वयं जीवों की रक्षा करता है और करवाता है। वर्षा योग का जो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी इंदौर में 23 साल पहले अखंड साधना हुई थी भक्तामर की 48 दिन की, और 23 साल बाद एक चतुर्भुज संघ चार प्रकार के साधु चार संघ से आए हुए एक साथ वर्षायोग कर रहे हैं और ये महानुष्ठान 48 दिन का अंजनी नगर जैन समाज, नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर, हमारे राजेश जी वैद्य, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है और उनके साथ जितने युवा लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है कि इंदौर के जैन समाज के लिए कुछ नया होना चाहिए। चातुर्मास तो सभी कराते हैं, लेकिन चातुर्मास में कुछ नया, ऐसे हमारे महान आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर की रचना की और भक्तांबर की रचना करके उनको जेल के अंदर बंद कर दिया था, जेल के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने भक्तांबर इस शोध की रचना की और आदिनाथ भगवान की भक्ति की, और उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते उन्होंने 48 ताले तोड़े और जेल से बाहर पहुँचे। ये 48 दिन का भक्तांबर अखंड पाठ, ये जैन लोग हों चाहे सीतांबर लोग हों, इनको भक्तांबर पर महान श्रद्धा है, महान थी, महान रहेगी। पाठ का शुभारंभ हुआ है, चातुर्मास चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, भक्तामर पाठ का क्या महत्व है? आदिनाथ भगवान की संक्षेप, बहुत ही दुर्लभता से
इस प्रकार का एक लंबे टाइम के लिए है जो भक्तामर की आराधना का अवसर मिला है। अभी वर्तमान में भक्ति ही हमारे कल्याण के लिए उपाधि है, इसलिए और ये भक्तामर जो पाठ है वो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध स्तोत्र है और मंत्र रिद्धि आदि से भरा हुआ है। इनके एक एक छंद की आराधना करके महान पुरुषों ने आत्मकल्याण किया, मोक्ष को प्राप्त किया, इसलिए इस स्तोत्र की जो भी आराधना करेगा वह भी कल्याण के मार्ग को प्राप्त होगा। इसकी महिमा को समझ करके प्रतिदिन एक एक श्लोक का अर्थ भी चलता है, उसके महात्मा को समझ करके और अपने जीवन में उसका रोज पाठ करें। और भक्ति ही उपाधेय है, कोई भी पाठ करे उसके अर्थ की वासना अगर अपने अंतर होती है तो असंख्यात कर्म की निर्णय होकर के ये जीव सब अपने पापों को धोता है, इसलिए इस भक्तामर पाठ करके और अपने जीवन को सफल बनाए। क्या बताएं, ये जो पूरा आयोजन किया जा रहा है चातुर्मास का, चार संतों का मिलन यहाँ पर हो रहा है, भक्तामर को लेकर यहाँ पर ज्ञान दिया, क्या कहना चाहेंगे? इसकी प्रेरणा आचार्य गुरुदेव दर्शन सागर जी महाराज ने विश्व में पहली बार 48 दिन अखंड प्रेरण बाद 23 साल पहले उन्होंने की थी। निश्चित तौर से उससे कई जिनालयों का निर्माण हुआ था। वही परंपरा को हम ध्यान में रखते हुए 48 दिन की अखंड साधना 23 साल बाद चार अलग अलग संतों के मिलन के आशीर्वाद से आज प्रारंभ कर रहे हैं। 400 निरंतर पिछले दो सालों से 475 से अधिक विधान कि इस महामारी पर विजय प्राप्त की जा सके, इसी उद्देश्य से भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर ये 48 दिन की महासाधना हम लोग सब मिलकर गुरु आशीष से कर रहे हैं। कौन कौन से चार संत मिलन समारोह? आचार्य गुरुदेव गणाचार्य कुंतु सागर जी महाराज के सुशिष्य गुरुदेव श्री शुद्र नंदी जी, आचार्य गुरुदेव वास्तु के महान विद्वान आचार्य धुरंधर गुरुदेव, देवनंदी जी के गुरुदेव गुरुदेव श्री उत्कर्ष कीर्ति जी गुरुदेव, आचार्य गुरुदेव श्याम सागर जी 38 साल पुरानी दीक्षित गुरु माता श्री सुदृष्टि श्री माता जी, और MD जो अमेरिका में 10 साल रही हुई हैं और अपना उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर की प्रैक्टिस की, ऐसी आगमती माता जी, हमारे बीच चारों गुरुदेव सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आज वर्षा योग का जो एक आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह का आयोजन? ये अखंड भक्ति का आयोजन है। इस जो महामारी चल रही है वो महामारी समाप्त हो इसलिए महायज्ञ का आयोजन है, एक महाकुंभ का आयोजन है, एक कुंभ। महावीर जी बताएं, जो पूरा आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के लिए? देखिए, आयोजन जो आप देख रहे हैं, चार संतों का मिलन यहाँ पर हुआ है, एक महामिलन जो अंजनी नगर जैन समाज जिसका पूरा सानिध्य चार महीने उठाएगा। ऐसे में हमारे राजेश वेद ठाकरे वाला जो परिवार है, ये विगत कई वर्षों से लगातार धार्मिक आयोजनों में इनकी एक अलग उपलब्धि रही है। उसी श्रृंखला में चारों अलग अलग गुरुदेवों का चतुर्मास यहाँ पर कराना और 23 वर्षों के बाद 48 दिन का अखंड पाठ, क्योंकि रात दिन 24 घंटे 48 दिन तक लगातार चलेगा। निश्चित तौर पे जैसा उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी, इसके साथ साथ विश्व के कल्याण के लिए जिस उद्देश्य से पाठ हो रहा है, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसमें हमारी दीदी संगीता जी विनायका, धनराज जी कासलीवाल, धर्मेंद्र भाई और ये सभी आशीष भाई, ये सभी लोग मिलके इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम इंदौर ही नहीं पूरे देश में अपना कीर्तिमान बनाएगा। आपका परिचय? मैं महावीर जैन इसी मंदिर में प्रचार मंत्री हूँ और इस सफल आयोजन के लिए सभी समाज बंधुओं का आग्रह करता हूँ कि वे आए और इस आयोजन में शामिल हों, उसको सफल बनाए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जैन समाज एकता के साथ पूरा आयोजन को संपन्न कर रहा है? समन्वय, सद्भावना और शांति का परम पावन पुनीत उद्देश्य को लेकर यह अखंड 48 दिवसीय भक्तामर पाठ का आयोजन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर पूरे इंदौर समग्र समाज का यह आयोजन है और चतुर्विधि संघ का हमें आशीर्वाद मिला है। निश्चित मानिए, विश्व महामारी कोरोना से हम विश्व शांति की ओर चलेंगे और निश्चित तौर पर यह जो चातुर्मास मंगल भक्ति आयोजन हमारा हो रहा है, इससे हम अपने सिद्धत्व पद की प्राप्ति करेंगे।